नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेटी कैश के बारे में। कई लोगों के लिए जो भी इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं उनके लिए बिल्कुल ही एक नया टर्म होगा पेटी कैश। कैश से आपको समझ आ रहा होगा कि ये कुछ पैसों से रिलेटेड ही है, पर ये एक्चुअल में है क्या, मैं टोटल वही आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आपको इस पेटी कैश को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए अगर आपका एक नया फूड वेंचर है या आपका पुराना फूड वेंचर है तब भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पेटी कैश पे कंट्रोल कर पाते हैं तो आपके प्रॉफिट्स के जो मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पेटी कैश होता क्या है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, पेटी माने छोटा, कोई भी कैश मतलब कि छोटा सा कोई एक अमाउंट जो कि आप लोग रिजर्व करके रखते हैं अपनी वेंडर्स की पेमेंट करने के लिए। आप लोग अपने वेंडर्स के साथ टर्म्स करते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स करते हैं कि हम आपको वीकली या मंथली पेमेंट करेंगे, पर कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इमरजेंसीज होती हैं कि आपको जाके या किसी को भेज के या फिर वेंडर को बुला के अपने पास सामान लेना पड़ता है। जैसे कि अचानक से आपको लगता है कि मेरा चिकन ख़त्म हो गया, तो वेंडर तो आएगा नहीं आपके लिए, तो आपको ही जाके लेना पड़ेगा या किसी और तरीके से आपको बुलाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस समय के लिए आप जो भी कैश रखते हो अपने पास और उससे पेमेंट करते हो उसे हम लोग पेटी कैश कहते हैं। कोई भी सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ पे। तो जब भी अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके अमाउंट अपने पास रिजर्व रखते हो तो आप उसे पेटी कैश कह सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप में से अधिकतर लोग ऐसे ही करते होंगे, आप लोग अपना कैश रखते होंगे और उसको यूज़ कर लेते होंगे। पर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको मंथली या वीकली एक ही अमाउंट रखना है। आपको इस तरीके से सिस्टम्स बिठाने होंगे कि आप मंथ में सिर्फ इतना ही पेटी कैश के लिए खर्च करेंगे, क्योंकि बाकी जो आपकी जो सप्लाईज आएगी आपकी होटल इन्वेंट्रीज की, वो सारी की सारी आपकी मंथली या वीकली बेसिस पे ही होंगे। अब यहाँ पे अगर आप पेटी कैश से बहुत ही ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो वही सारे नुकसान और कुछ इसमें से फ़ायदे हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें नुकसान क्या होता है कि आपको अगर आइटम कुछ इमरजेंसी पे ले रहे हैं आप, तो आपको उसका ज़्यादा दाम देना पड़ता है। जी हाँ, अगर आपने कहीं कॉन्टेक्ट करके रखा है अपने किसी सप्लायर से, पर आप उसे नहीं ले रहे, आपको कुछ और चाहिए, कुछ नया चाहिए उससे, तो वो आपको हमेशा एक्सपेंसिव ही देगा, आपको महंगा ही देगा। दूसरा, यहाँ पे जब भी आप कुछ भी ऐसे नया सामान खरीदते हो या नई चीज़ खरीदते हो तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा देना पड़ता है, चाहे आप उनसे मंगा रहे हो वेंडर से, या आप खुद भी जाके ले रहे हो या किसी को भेज भी रहे हो, तो वहाँ पे आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आपके कार्टेज चार्जेस वगैरह भी लगते ही लगते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेटी कैश खर्च कर रहे हैं, आप रोज़ ही बाहर से 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 का सामान खरीद के ला रहे हैं, और वहीं जो आपकी रेगुलर वेंडर से वहाँ से भी सामान आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपकी इन्वेंट्रीज में गलती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग काम करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं तो हम वो ही चीज़ बार बार गलती करते रहते हैं। तीसरा, जब जब हम ज़्यादा अगर हम लोग पेटी कैश ले रहे हैं, इससे ये भी पता चलता है कि हमें हमें मालूम है कि हमारे पास पैसा पड़ा है और हम किसी भी समय कुछ भी सामान मंगा लेंगे, और हम उस चीज़ की प्लानिंग ही नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा पेटी कैश यूज़ कर रहे हैं तो चोरी होने का भी खतरा होता है। आप ऐसी चीज़ें भी मंगवा लेते हो जो कि आपकी ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी को सामान भेजते हो लेने के लिए, मैं किसी पे ऐसा नहीं बोल रहा कि वो चोरी करता है, नहीं करता है। आप कहीं बाहर सामान लेने भेज रहे हो, किसी को 2 किलो लेके आ रहा है, 1.5 किलो, और आपको वो 2 किलो वहाँ पर लिखवा दे रहा है, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है और उसको मालूम है उसका कुछ नहीं होगा। तो आपको हमेशा यही कोशिश करनी कि कम से कम चीज़ें पेटी कैश में आए, मेनली जो भी आपका सामान आए आपके वेंडर्स के थ्रू ही आए, जिनको कि आप मंथली या वीकली पेमेंट्स कर रहे हैं, और जब भी वो सामान ला रहे हैं आप उनको तोल के अच्छी तरीके से अपने पास स्टोर कर रहे हो। इसके बाद हमें अगर हम लोग पेटी कैश बहुत ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारी जो प्लानिंग का भी पता चलता है कि हमारी प्लानिंग कितनी ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ और मुझे मालूम है, मुझे अपना पैटर्न मालूम है, तो मुझे ये भी मालूम होगा कि मुझे कितनी ऑर्डरिंग करनी है, मेरी जो इन्वेंटरीज है उसका भी मुझे मालूम होगा, क्योंकि मैं अपनी इन्वेंटरीज मेंटेन कर रहा हूँ। अगर मैं पेटी कैश बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ तो मेरी प्लानिंग भी फेल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने मैनेजर को या अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पेटी कैश खर्च हो रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आपके मैनेजर्स बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप खुद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, अब ये आप भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर रोज़ रोज़ पेटी कैश में आप रोज़ रोज़ जाके कैश सामान लेके आ रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं, तो आपके लिए एक अवेयरनेस की वीडियो भी हो सकती है, आपको अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि हमारी नुकसान है, बेनिफिट
पैटी कैश का यही है कि आपके पास पैसा होता है और कभी भी जाके आप बाहर से सामान किसी भी समय में कुछ भी लेके आ सकते हो। सिर्फ यही फ़ायदा है इसका और कुछ नहीं। इवन आपको पैटी कैश का एक अमाउंट फिक्स करके रख देना चाहिए एक महीने में कि हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी अपनी इन्वेंट्रीज को ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए आप बोलते कि महीने हम 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे या 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, उसको आपके वाउचर्स बनाए देने चाहिए। अगर आपसे कोई पैसा लेता है कोई भी इंप्लॉय बाहर से लाने के लिए, आप किसी को ऑर्डर देते हो तो आपको उससे साइन करवा देने के करवा लेना है और आप उसको 1,000 रुपये दे दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये मेंटेन भी रहेगा, ये नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी पैसे दे दे रहे हैं और फिर वो कहीं किसी हिसाब में नहीं आ रहा है। तो जो भी कैश परचेजेस हो रही हैं उसको मिनिमम करने की कोशिश कीजिए। इवन जब भी कहीं भी मैं एज अ शेफ एज ए मैनेजर गया हूँ, मैंने सबसे पहले इस पर ही कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस से गलती होती है, हमारी आदतें पड़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना, क्योंकि हम सबको रेस्टलेस लाइफ चाहिए होती है। हमें लगता है कि भैया ये सामान खत्म हो गया वो मंगा लेते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 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 जो ऑनर है उसको तो पता ही नहीं चल रहा है कि भैया सामान क्या आ रहा है। और हम इस तरीके से मतलब कि एक सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं और हमें लगता है कि भैया हमें सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर वहीं अगर हम इसको दूसरे पहलू से देखेंगे तो ये हमारी प्लानिंग में गड़बड़ी है कि हम उस चीज़ को प्लान नहीं कर पाए एडवांस में। हाँ, चीज़ें होती हैं पर ये नहीं कि रोज़ की रोज़ हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटी कैश के बारे में समझ आया होगा और आप कम से कम अपनी जो कैश परचेज हैं करने की कोशिश करेंगे, पैटी कैश के अमाउंट को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। बाकी आप मेरा क्लाउड किचन का कोर्स भी ले सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको कम्प्लीटली गाइडलाइंस मिल जाती हैं, आप पूरी तरीके से सीख जाते हो कि आपको क्लाउड किचन के ऑपरेशंस को कैसे रन करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।